हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, स्वागत है आपका इस हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि कतर का वीज़ा ऑनलाइन अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर से कैसे चेक करेंगे। तो गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। मैं आप लोगों को लाइव वीज़ा चेक करके दिखाऊंगा पासपोर्ट नंबर के थ्रू। गाइस, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि कोई एजेंट जो है आपको वीज़ा दे देता है कतर का और बोलता है कि वीज़ा मिल गया है तो पैसा जमा करने के लिए। तो गाइस, उससे पहले बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि क्या ये वीज़ा सच में सही है कि नहीं है, तो उसी डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए, मैं चेक करके लाइव आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हमारे पास कतर का वीज़ा है। इस वीज़ा को हम चेक करके बताएंगे, वो भी पासपोर्ट नंबर के थ्रू, कि क्या ये वीज़ा सच में सही है कि नहीं है। तो आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो गाइस, चलिए वीडियो में चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर के गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया। गाइस, आप मोबाइल में ओपन कर रहे हो तो डेस्कटॉप मोड इनेबल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सर्च कर लेना है कतर वीज़ा चेक। ये कतर वीज़ा चेक लिख के आपको सर्च कर लेना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली लिंक पे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में देख सकते हैं ये कतर वीज़ा चेक, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको क्लिक कर देना होगा आपको, जो कि सबसे ऊपर में दिखा रहा है टॉप पे। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आगे का इंटरफेस ऐसे खुल के आ गया। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर ऊपर कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है वीज़ा इंक्वायरी एंड प्रिंटिंग। तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखा रहा है, वीज़ा नंबर के थ्रू और पासपोर्ट नंबर के थ्रू। तो आपको पासपोर्ट नंबर के थ्रू चेक करना है, तो क्लिक कर लेंगे यहाँ पे पासपोर्ट नंबर के थ्रू। उसके बाद आपको क्या करना है कि सारा डिटेल आपको भरना होगा, पासपोर्ट नंबर और आपका ये नेशनलिटी भरना होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको भर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पासपोर्ट नंबर भर लिया हमने, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर नेशनलिटी आपको चूज़ कर लेना है, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, आप जिस भी कंट्री से हैं वो नेशनलिटी आपको चूज़ कर लेना है। तो हमने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है आपको, जिस जो नंबर आपको दिख रहा होगा वो यहाँ पर भर लेना है। तो वो नंबर हम यहाँ पर भर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख सकते हैं सब कुछ भर लिया, यहाँ पासपोर्ट नंबर, फिर नेशनलिटी, और उसके बाद कैप्चा भी यहाँ पे भर लिया है। इसमें कैप्चा भरने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ आगे का फेचिंग करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वीज़ा नंबर दिखा रहा है, वीज़ा नंबर, ठीक है। उसके बाद से आपका वीज़ा नंबर, फिर नेशनलिटी, फिर उसके बाद वीज़ा वैलिडिटी डेट आपको दिखा रहा है। और आप लोग का देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं द वीज़ा इज़ नॉट वैलिड, मतलब ये वीज़ा एक्सपायर हो गया है, क्योंकि ये जो है कैंडिडेट मतलब जा चुका है। और आप लोग का वीज़ा अंडर प्रोसेस दिखाएगा, अगर आपका फ़्लाइट नहीं हुआ है तो वीज़ा सिर्फ इशू हुआ है तो वीज़ा अंडर प्रोसेसिंग दिखाएगा। तो इस तरह से गाइज आप अपना वीज़ा चेक कर सकते हैं। और गाइज, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।